अपने पांच बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके, ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। किसी भी देश के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है युवा। यही वजह है कि मोदी सरकार ने साल 2014 में अपने पहले कार्यकाल से ही युवाओं पर खास ध्यान दिया। उनके लिए सरकार मुद्रा योजना लेकर आई। तो वहीं ऐसे युवा जो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य है ऐसे युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना, उनमें छिपी प्रतिभा को निखारना जो किसी वजह से स्कूल छोड़ चुके हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत सरकार बिजनेस से जुड़ी ट्रेनिंग देती है, जिसकी फीस का खर्चा सरकार खुद उठाती है। ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होती है। हमारे यहाँ शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जाते कहां हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। इस देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है, वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है। इस योजना में सरकार की ओर से युवाओं को करीब 8,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे देश में वैध होगा। योजना के तहत तिमाही, छमाही और सालाना के अंतराल पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया होती है। इसमें दी जाने वाली ट्रेनिंग को सेक्टर स्किल काउंसिल आयोजित करती है। इसके बाद यदि कैंडिडेट इसे पास कर लेते हैं तो सरकारी प्रमाण पत्र और स्किल कार्ड दिया जाता है। इससे उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हम युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे जब तक मैं यहाँ पे कोर्स नहीं किया था इसके पहले, तो मुझे उतना अच्छे से नहीं पता था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हम युवाओं के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने से पहले मैं भी सर बस ऐसी मतलब बेरोजगार था। उसके पहले मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं फिरा था ना यहाँ पे आने से पहले। लेकिन यहाँ कुरान के जो टेक में ठीक है, मैंने अपना एडमिशन करवाया। एडमिशन करवाने के बाद मैंने यहाँ से तीन महीने का मैंने रिटेल का कोर्स किया। रिटेल का कोर्स करने के बाद मुझे यहाँ से पता चला कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से मैं मतलब कोर्स करके मैं अपना करियर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ से 3 महीने का रिटेल का कोर्स किया और रिटेल का कोर्स करने के बाद आज मैं मैकडॉनल्ड्स में मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, 6-7 महीने से। और मेरी सैलरी आज 9,000 रुपये है। जो भी चुवाएँ अभी भी मतलब ठीक है फालतू मतलब घूम रहे हैं, जो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो भी मतलब आज तक उनको ठीक है सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ है, वो इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़े, ठीक है, और अपना करियर पहले से और ज़्यादा बेहतर बनाए। मैंने एड थ्रू ये PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सुना और इसके सेंटर में मैंने इंक्वायरी करी तो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। तो इसके थ्रू मैंने ट्रेनिंग ली है और मैं अभी अच्छी जगह प्लेस हो गया हूँ थ्रू PMKY। मेरे फादर एक छोटा सा मेरे फादर का बिजनेस है और अभी मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो इसकी वजह से मेरे फैमिली बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सपोर्ट होता है। मतलब ये योजना बहुत अच्छी है, इससे बहुत सारे बेरोजगार लोगों को रोज़गारी मिलती है और यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। कोई सरकार अभी तक ऐसी योजना लाई नहीं थी और ये PMKY प्रधानमंत्री कौशल योजना बहुत अच्छी है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियोजित कराती है और इससे बहुत लोगों को बेरोजगार लोगों को फायदा होता है। मोदी सरकार के कौशल विकास योजना में 7 चरण हैं: शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग,
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, कौशल और रोजगार मेला, प्लेसमेंट, मॉनिटरिंग, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? कौशल विकास योजना के तहत ट्रेनिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप PMKVY वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। PMKVY वेबसाइट के होम पेज पर आपको दाएं तरफ दो लिंक दिखेगा, नोटिस और क्विक लिंक्स। आपको क्विक लिंक्स पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद एक नया पेज खुल कर आएगा, जिसमें आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, रजिस्टर एज अ ट्रेनिंग प्रोवाइडर और रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। आप रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म खुलेगा, जिसे आपको भरना है। फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, ईमेल, आईडी, एजुकेशन, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट इत्यादि जानकारी सही सही भरकर फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको इसकी सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। इस योजना से जुड़ी आप किसी भी तरह की जानकारी के लिए वेबसाइट पर दिए किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स व ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ करीब 40 तकनीकी कोर्स हैं। इनमें लोगों को प्रशिक्षित कर नौकरी या व्यवसाय शुरू करने योग्य बनाया जाता है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और आपके परिवार के किसी सदस्य का आधार कार्ड होना जरूरी है। आज पूरा विश्व युवा कौशल दिवस मना रहा है। भारत भी उस अवसर पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। कुछ दिन पूर्व पूरे विश्व ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। और हमारे देश के लोगों को ताज्जुब हुआ कि दुनिया हमारी तरफ इस तरह देख रही है क्या। हमें कभी विश्वास ही नहीं था कि विश्व कभी हमारी तरफ भी गर्व के साथ देखता है। विश्व योगा दिवस पर हमने अनुभव किया कि आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक बड़े आदर और गौरव के साथ देखता है। हमारे यहां शिक्षा के संबंध में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं कि जितने बच्चे स्कूल जाते हैं सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, हायर सेकेंडरी में उससे कम हो जाते हैं, कॉलेजेस में वो संख्या और गिर जाती है और टॉप पर तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो ये सब जाते कहां हैं और जो जाते हैं उनका क्या होता है? जो ऊपर जाएं उनकी तो सब प्रकार की चिंता होती है, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यह हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। और रह कौन जाते हैं? अमीर परिवार का बच्चा नहीं रह जाता है, उसको तो कुछ न कुछ मिल जाता है पैतृक परंपरा से। जो रह जाता है वो गरीब का बच्चा होता है। और एक प्रकार से हमने बहुत योजनापूर्वक
गरीबी के खिलाफ एक जंग छेड़ा है और ये जंग जीतना है। और ये गरीबी खिलाफ का जंग जीतने के लिए गरीब की ही मुझे फौज बनानी है। हर गरीब मेरा फौजी है, हर गरीब नौजवान मेरा फौजी है। उन्हीं की ताकत से, उन्हीं के बलबूते पर ये गरीबी के खिलाफ जंग जीत रहा है। आज देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो दयनीय जिंदगी जीना नहीं चाहता है, वो आत्मसम्मान से जीना चाहता है, वो गर्व से जीना चाहता है। स्किल, कौशल्य, सामर्थ्य ये सिर्फ जेब में रुपये लाता ऐसा नहीं है, वो जीवन में आत्मविश्वास भर देता है, जीवन में एक नई ताकत भर देता है। उसे भरोसा होता है कि दुनिया में कहीं पर भी जाऊंगा, मेरे पास ये ताकत है, मैं अपना पेट भर लूंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगूंगा। ये सामर्थ्य उसके भीतर आता है। और इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट ये सिर्फ पेट भरने के लिए, जेब भरने का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे गरीब परिवारों में एक नया आत्मविश्वास भरना और देश में एक नई ऊर्जा लाने का प्रयास है। हमारे यहां सालों से, हमने सदियों से सुना है, अमीर परिवारों में क्या बात होती है वो तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जिस समाज जीवन से आते हैं, हम अक्सर सुना करते थे हमारे परिवार में, अगल बगल में सब कुछ है, हमारे पिताजी और हमारे नौजवान साथियों के पिताजी यही कहते थे, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। हमारे देश में मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब परिवारों में ये सहज बोला जाता है। 12-15 साल का बच्चा हुआ तो माँ बाप यही कहते हैं, अरे भाई कुछ काम सीखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अगर जो बात हमारे घर घर में गूंजती है वो सरकार के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है?